हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर और सभी टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 4 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक के सभी करंट अफेयर को लिया हुआ है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की SPG सुरक्षा हटाने का फैसला किया है। ऑप्शन 4 है, पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा दिल्ली हाईकोर्ट, तीसरा केंद्र सरकार और चौथा रक्षा मंत्रालय। तो आंसर नंबर इसका सी, केंद्र सरकार सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की SPG, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, सुरक्षा हटाने का फैसला किया है। अब इन तीनों को CRPF की Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। अब से SPG सुरक्षा केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास रहेगी। दूसरा प्रश्न, खादी उत्पादों के लिए निर्यात सुविधा को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कोड जारी किया है। पहला है ऑप्शन आपका हार्मोनाइजाइड सिस्टम कोड, दूसरा है OTP कोड, तीसरा है JSM कोड और चौथा है इंक्रीज सेल कोड। तो ऑप्शन नंबर इसका ए, हार्मोनाइजाइड सिस्टम कोड सही हो जाएगा। खादी उत्पादों के लिए निर्यात सुविधा को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने हार्मोनाइजाइड सिस्टम कोड जारी किया है। इससे पहले भारत में खादी के पास अलग से HS कोड नहीं था। तीसरा प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में बने समुद्री चक्रवात का नाम बताइए जिसने बांग्लादेश में कहर बरपाया है। ऑप्शन 4 दिए, पहला बुलबुल, दूसरा चक्रधर और तीसरा चक्रमन और चौथा बुलबुल। ऑप्शन नंबर इसका ए, बुलबुल सही हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में बने समुद्री चक्रवात बुलबुल ने बांग्लादेश में कहर बरपाया है। बांग्लादेश के विशाल तटीय इलाके में के लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर शरण दी गई है और 5000 से अधिक शेल्टर तैयार किए गए हैं। चौथा प्रश्न है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक -10 वर्ष की कम उम्र में वर्ल्ड के सबसे कम उम्र की शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बन गए हैं। ऑप्शन 4 है, पहला सुमित नांगल, दूसरा है संजय वर्मा, तीसरा है अभिमन्यु मिश्रा और चौथा है अजय नांगल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, अभिमन्यु मिश्रा सही हो जाएगा। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिमन्यु मिश्रा 10 वर्ष 9 महीने और 3 दिन की कम उम्र में वर्ल्ड के सबसे कम उम्र के शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा के नाम था, जिन्होंने 10 वर्ष 9 महीने और 20 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। पाँचवा प्रश्न, SRS की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। ऑप्शन 4 है, पहला केरल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है पंजाब और चौथा है असम। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, असम सही हो जाएगा। SRS जिसका फुल फॉर्म होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के असम राज्य में सबसे अधिक मात्रा में मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। असम में मातृ मृत्यु दर में गिरावट 188 से घटकर 175 हो गई है। पिछले सर्वेक्षण की तुलना में MMR में 6.15% की कमी आई है। छठवां प्रश्न, निम्न में से किस देश की कई कंपनियों ने महिला कर्मियों के ऑफिस में चश्मा पहनकर आने पर बैन लगा दिया है। ऑप्शन 4 है, पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान और चौथा जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, जापान सही हो जाएगा। जापान की कई कंपनियों ने महिला कर्मियों के ऑफिस में चश्मा पहनकर आने पर बैन लगा दिया है। कंपनियों ने कहा है कि महिलाएँ चश्मा पहनकर आती हैं तो क्लाइंट्स पर गलत असर पड़ता है और कंपनियों का कारोबार प्रभावित होता है। इस फैसले को महिलाओं ने नेटवर्किंग साइट के जरिए काफ़ी विरोध जाहिर किया है। सातवां प्रश्न, गुजरात के रिसर्च फाउंडेशन में खोजी गई मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम किस क्रिकेटर खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन 4 है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है कपिल देव, तीसरा है सौरभ गांगुली और चौथा है वीरेंद्र सहवाग। इसका ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर सही हो जाएगा। गुजरात के इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के एक जूनियर शोधकर्ता ध्रुव ने मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है, जिसमें से एक मकड़ी की नई प्रजाति का नाम सचिन तेंदुलकर का नाम पर रखा गया है। इसी तरह के साप्ताहिक करंट अफेयर और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड भूगोल और इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पर लाते रहता हूं। तो इस वीडियो का 8वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब से मुख्य न्यायाधीश का ऑफिस डैश के तहत आएगा। ऑप्शन 4 है, पहला सूचना के अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता के अधिकार, तीसरा शिक्षा के अधिकार और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए, सूचना के अधिकार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले के मुताबिक अब से मुख्य न्यायाधीश का ऑफिस सूचना के अधिकार यानी RTI के तहत आएगा। कोर्ट ने कहा है कि मुख्य न्यायाधीश का ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है जो कि RTI के तहत आएगा। 9वां प्रश्न, इंग्लैंड के निक बटर 22 महीनों में कितने मील दौड़कर विश्व के हर देश की मैराथन में हिस्सा लेने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ऑप्शन 4 है, पहला 5000 मील, दूसरा है 5130 मील,
तीसरा है 5,632 मील और चौथा है 6,235 मील। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 5,130 मील सही हो जाएगा। इंग्लैंड के निक बटर हाल ही में 22 महीनों में 5,130 मील दौड़कर विश्व के हर देश की मैराथन में हिस्सा लेने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। वे मैराथन के माध्यम से दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति हैं। साथ ही वे दुनिया के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारत सहित सभी 196 देशों की मैराथन में महज 96 हफ्तों में हिस्सा लिया है। दसवां प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई गन्ना मोबाइल ऐप व वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन चार हैं, पहला मध्य प्रदेश सरकार, दूसरा महाराष्ट्र सरकार, तीसरा गुजरात सरकार और चौथा उत्तर प्रदेश सरकार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश सरकार से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए ई गन्ना मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसके माध्यम से किसानों और सरकार के बीच पारदर्शिता लाई जा सकेगी। इस ऐप के माध्यम से किसान अब सीधे गन्ने की बिक्री और अन्य सूचनाओं की जानकारी ले सकेंगे। 11 नंबर प्रश्न, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे ज़्यादा 49 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? ऑप्शन चार है, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा है इंदिरा गांधी और चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इंदिरा गांधी से हो जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा 49 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। आज़ादी के बाद अब तक 121 मौके आए हैं राष्ट्रपति शासन लगाने के। हाल ही में महाराष्ट्र में सरकार बनाने की संभावना नहीं दिखने पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। 12वां प्रश्न, दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की रिपोर्ट में भारत की किस शहर में को पहला स्थान मिला है? ऑप्शन चार है, पहला दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है कोलकाता और चौथा है चेन्नई। इसका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली से हो जाएगा। दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की रिपोर्ट में भारत की राजधानी दिल्ली को पहला स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में कोलकाता 5वें और मुंबई 9वें स्थान पर है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 527 था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली में 13 स्थानों पर एयर प्योरीफायर टावर लगाने के निर्देश दिए हैं। 13 नंबर प्रश्न है, नासा के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन गैस की खोज की है? ऑप्शन चार है, पहला चांद, दूसरा मंगल, तीसरा बुध और चौथा बृहस्पति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी मंगल से हो जाएगा। नासा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन गैस की खोज की है। नासा के द्वारा भेजे गए क्यूरोसिटी रोवर ने इस ग्रह पर ऑक्सीजन गैस का पता लगाया है। यह रोवर 6 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह पर लैंड हुआ था। नासा का यह रोवर अभी गैल क्रेटर में शोध कर रहा है। दोस्तों ये रही वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए थैंक यू।